जो ग्रामीण हैं वो महुआ हर दिन बीनने के लिए जाते हैं, और ये जंगल का एक बहुत ही खूबसूरत फल है। इसे आदिवासी खरा सोना भी कहते हैं। और अभी बज चुका है 9, लगभग हम सुबह 6 बजे से ये महुआ बीन रहे हैं। हेलो नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक। कल मैनपाट महोत्सव घूम के मैं आ गया हूँ बंदना, और यहाँ पर रुका था पहाड़ वाले घर में। और कल बिल्कुल भी माहौल नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैं सोचा मैं इस गांव का वीडियो बनाऊंगा करके, तो यहाँ आ गया हूँ। यहाँ का पूरे डेली रूटीन वाले वीडियोस बनाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे हैं वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ये पहाड़ वाला घर है, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में ये घर है। और ये है मेरा मित्र डीका, और ये जा रहा है अभी महुआ बीनने के लिए। साथ में मैं भी जाऊंगा महुआ बीनने के लिए, और अभी सूर्योदय होने वाला है। देखिए यहाँ का टाइम लैप्स। तो ये है मेरा दोस्त डीका। क्या रखे हो हाथ में डीका? टोकरी है। इसको क्या बोलते हैं? फुटी। फुटी? हाँ। तो इसमें क्या करोगे? महुआ बनेंगे। और ये झोला में क्या रखे हो? दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, अरे वाह, कितना बढ़िया गुल। कौन बनाया यार? मैं बनाया हूँ। सही में? हाँ। और इसमें और अंदर में क्या रखे हो? गोटी। दिखाओ। अरे वाह यार, क्या बात है। तो इसको किस लिए रखते हो? चिड़िया मारने के लिए। चिड़िया मारने के लिए? अच्छा, और कोई जानवर आ गया तो? डीका जो है ये मेरा यहाँ गांव का मेरा दोस्त है, और मतलब कुछ भी होता है तो डीका को याद करता हूँ मैं। तो अभी जाएंगे, मेरे को भी लग चलोगे ना? हाँ। ठीक। सूर्योदय हो गया है, सूर्योदय हो गया है, और मैं निकल गया हूँ महुआ बीनने के लिए डीका भाई के साथ। ये डीका भाई जा रहे हैं कंधे में कुल्हाड़ी और झोला में, क्या है झोला में? कंधे में कुल्हाड़ी और झोला में गुलेट के साथ। झूलो तो बहन, झूलो झूलो तो एक। ये देखिए एक नेचुरल झूला है, और छोटे बच्चे इसमें झूल रहे थे, मैं देख रहा था। झूलो तो, अरे रहने दो रहने दो। अच्छा, थोड़ी देर पहले झूल रहे थे, ये देखिए वो झूल गई। कुछ बच्चे जो हैं महुआ बीन के आगे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह महुआ बीनने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर ट्राइबल रहते हैं और महुआ बेचते हैं, तो इस कारण से सुबह सुबह महुआ बीनने के लिए जाते हैं। और डिक्का भाई वो जा रहे हैं, अब वो देखो वैभव भाई की मम्मी भी वहाँ बैठी हुई है, और जैसे कि आपको बताया हूँ सूर्योदय हो गया है। देखिए मम्मी देख रही है, और देखिए यहाँ पर गेहूँ लगा हुआ है, और कितना बढ़िया लग रहा है। और बढ़िया लग रहा है तो कमेंट करके बताओ भाई कि सच में बढ़िया लग रहा है। पेड़ भी महुआ का है, और यहाँ आसपास में बहुत सारे महुआ के पेड़ हैं। और मैं जो घर में रुका था रात में, वो वाला घर है, उसी घर में रुका था मैं रात में। तो ये है वैभव भाई का जंगल वाला घर। We'll be right back.
दूसरा पेड़ के पास आ गए हैं। देखिए यहाँ पर पूरा मोहा ही मोहा है, ऐसे ही अभी बिनने वाले हैं। कितना सारा ही पेड़ है, कितना सारा है। ये डीका भाई हैं, डीका भाई पूरा मोहा को बिन रहे हैं। अब मैं भी इनका हेल्प करूंगा भाई। इतना ताज़ा ताज़ा है, यहाँ पर बैठने से बिल्कुल सुगंध आ रहा है इसका। वाह, देखिए कितना सारा बिन लिए हैं। सुबह के 9 बज गए हैं और अभी तक मोहा बिन रहे हैं, और ये पूरा लगभग 5 से 6 टुकनी अभी बिना चुका है, और पर डे इतना ही हम मोहा बिनते हैं, है ना भाई? कितना होता है एक दिन में? कैसे डिकनाथ, 4-5 टुकना हो जाता है? हाँ, ये छोटे बच्चे लोग भी हैं, वो भी मोहा बिनने के लिए हैं। तो जितने भी अभी मोहा का पेड़ है वो किसी का है, तो वो जितने बिन पाते हैं वो बिनते हैं। उसके बाद ये छोटे बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं, और जो अभी गिर रहे हैं मोहा उनको बिन रहे हैं, और 1 सप्ताह तक इकट्ठा करते हैं। 1 सप्ताह इकट्ठा करने के बाद अब जब मार्केट लगता है तो मार्केट में 1 मुट्ठी या 1 झोला मोहा को बेचते हैं, अपने लिए खाने के लिए बिस्किट चॉकलेट या कुछ ज़रूरत की सामान लेते हैं। छोटे बच्चे सोच सकते हैं कितना मेहनती हैं, वह भाई हैं, उनके घर वाले हैं, वो मोहा तो बिन ले रहे हैं, उसके बाद जो बचा कुछ है तो ये बच्चे उठाते हैं, और ऐसा हमेशा चलते रहता है। मतलब कितने बढ़िया हैं, मेहनती हैं, और मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं सोचा आप लोग को भी ये जानकारी साझा करूं। तो भैया मोहा तो बिन लिए हैं, अब मोहा के बारे में जान लेते हैं। मोहा नाम सुनते ही लोगों के मन में सिर्फ मोहा दारू आता है, क्योंकि मोहा दारू के लिए ही मोहा फेमस है, ऐसा लोगों का सोचना है। पर अभी बिल्कुल छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा बदल रहा है, मोहा से बने अभी चाय मिलने लगे हैं, मोहा से बने लड्डू मिलने लगे हैं, जो इतना टेस्टी होता है, मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं उससे स्वादिष्ट लड्डू अभी तक नहीं खाया हूँ, और मोहा से बना अभी बहुत सारा प्रोडक्ट जो है अभी मार्केट में धीरे धीरे आ रहा है। अब शराब के अलावा अब मोहा का अलग अलग जगहों पर यूज़ किया जा रहा है। ये आदिवासी जो गाँव हैं, बस्तर है, सरगुजा है, पूरे छत्तीसगढ़ में मोहा बिनने का काम जो है बहुत पहले से किया जा रहा है। इसका यूज़ मुख्यतः शराब बनाने के लिए किया जाता है। मोहा बिनना ग्रामीणों के लिए एक रोज़गार भी है, वो पूरा मंथ जब तक ये मोहा मिलता है तब तक ये मोहा को बिनते हैं, उसके बाद इसे इकट्ठा करते हैं, सुखाते हैं, बाज़ार में बेचते हैं, उससे कुछ पैसा मिलता है, उस पैसे से वो कुछ घर का घरेलू सामान लेते हैं या कुछ चीज़ें हैं वो लेते हैं। तो ये ग्रामीणों के लिए एक रोज़गार भी है, और ये जंगल में मिलने वाला बहुत ही स्वादिष्ट फल है। हमारे कई सारे त्यौहार में ये फल का यूज़ भी किया जाता है, कमच्छट होता है, हमारे बिलासपुर साइड में कमच्छट होता है, तो कमच्छट में यह मोहा का जो फल है वो खाते थे, तो वो चीज़ भी मुझे याद है, और अभी भी मोहा का फल कमच्छट में खाते हैं। आप लोग खाए हैं कि नहीं
ये भी कमेंट करके बताएं, और महुआ लड्डू कौन कौन टेस्ट किया है वो भी बताएं, महुआ चाय कौन टेस्ट किया है वो भी बताएं, और महुआ दारू कौन पिया है वो भी कमेंट करके बताएं। तो महुआ केवल सिर्फ दारू के लिए नहीं, इन सभी चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वहाँ पर छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल देख रहे हैं वो देखो वो मुझे देख के ना भाग रहे हैं, इसलिए मैं उनके पास नहीं जा रहा हूँ। और सुबह से मैं उन लोगों को देख रहा हूँ वो महुआ बिन रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ, और बस मैं ये पहाड़ वाले घर ही के पास हूँ, मैं पहाड़ वाले घर के पास आ गया हूँ। और जो भी आज महुआ बिन कर लाए हैं उसको यहाँ पर सुखा दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो ग्रामीण हैं वो महुआ हर दिन बिनने के लिए जाते हैं, और ये जंगल का एक बहुत ही खूबसूरत फल है, इसे आदिवासी खरा सोना भी कहते हैं। और अभी बच चुका है 9, लगभग हम सुबह 6 बजे से ये महुआ बिन रहे हैं। दोस्तों अब महुआ बिन लिए हैं, अब जा रहे हैं घर की तरफ, वो है हमारा घर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।